ये मेरे बड़े भाई इनके पिताजी उनका वो रुकी बंदी नहीं हो बंदी नहीं इनको तुमने समझा के बिल्कुल बुरा उनको जो उनका तो लड़का था वही थोड़ा व्हॉट्सअप मी वाचला तर त्या व्हॉट्सअप वाचल्याबरोबर बघितल्याबरोबर मलाही थोडस भयानक असं वाईट वाटलं कारण शेवटी आपणही तुझ्या तरी मुलीची आई आहोत. आज आम्ही नानी दादी ही दोन्ही पदं म्हणजे नाती निभावतोय आणि 15 ते 18 वर्षाच्या मुलांना व्हॅक्सिन देताना अशी बातमी व्हायरल झाल्यानंतर मी पहिला संपर्क आमच्या दिलीप मामा लांडे जे आमदार आहेत घाटकोपर म्हटलं का बऱ्याचशा वेळेला आम्ही त्यांच्याशी संपर्क करतो त्याचप्रमाणे आमचा लांडगे किरण नंतर हे दिलीप मामा लांडे आणि किरण हे या फॅमिलीशी जवळ आले. फॅमिलीच्या काका मामा यांच्याशी वार्ता केली त्यांनी सांगितलं की हे व्हॅक्सिनमुळे नाही झालंय कारण व्हॅक्सिन आमच्या घरातल्या पण मुलांनी घेतलंय. अर्थातच 15 वर्षाची जेव्हा मुलगी अचानक निघून जातात त्या घरावर काय शोककळा असू शकते हे आपण सगळे समजू शकतो आणि ते दुःख आहे. त्या दुःखाचा बाजार करण्यासाठी जी कोणी लोक आली आणि तो बाजार करून नेमकं ते काय मिळवू इच्छित होते कारण एकीकडे केंद्र म्हणजे पंतप्रधान चिंता व्यक्त करतायत पंतप्रधान प्रत्येक राज्याला व्हॅक्सिन देत आहे आणि ते राज्य त्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणजे आपल्या राज्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब राजेश टोपे आदित्य ठाकरे किंवा आमचे अजित पवार साहेब सगळे आघाडीचे मिळून जास्तीत जास्त 15 ते 18 वर्षाच्या वयोगटातल्या मुलांना ह्या आलेल्या ओमिक्रॉनचं संकट डेल्टा आणि डेल्टा व्हेरियंट ह्या अशा आणि कोरोना तर आहेच ह्या अशी वेगवेगळे विषाणूंचे संकट लहान मुलांना संक्रमित करू नये म्हणून आपण हा केंद्राकडनं आलेल्या परवानगी नंतर हे सगळे निर्णय हे आपल्याला केंद्रातली एक्सपर्ट टीम राज्यातली एक्सपर्ट महानगरपालिकेतले एक्सपर्ट असे म्हणून देईल. आम्ही कृपया जसं या आर्याच्या फॅमिलीनी कुटुंबानी आपल्याला जे कोणी हे वाईट कर्म करतंय त्यांना त्यांनी विनंती केली आम्ही विनंती करतो हे धंदे आता थांबवा व्हॅक्सिन पासून लोकांना लांब नेऊ नका कारण आज ओमिक्रॉन आहे आज डेल्टा आणि डेल्टा व्हेरियंट हे पाय पसरत आहे त्याचे पेशंट जास्त रुग्ण सापडत आहेत मृत्युमुखी ते जास्त पडले त्यामुळे कृपया व्हॅक्सिनची चुकीची माहिती लोकांमध्ये पसरवू नका लसवंत लोकांनी व्हावं म्हणून त्यांना प्रोत्साहन द्या असं माझं म्हणणं. लड़की के कौन है? हाँ वो बताइए. मेरे भाई की लड़की है बड़े भाई के मेरा भतीजी है. तो मैं सभी राजनीतिक पार्टी से एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इसमें ये राजनीति न करें. ये वैक्सीन के वजह से नहीं हुआ है ये नेचुरल डेथ है उनको अटैक आया हुआ है. तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसमें राजनीति न करें. जो अपने पूरे अपने इंडिया के बच्चे लोग हैं ये अगर राजनीति होगी तो वैक्सीन लेने से डर जाएंगे. तो मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कोई दिमाग में नहीं ले ये वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है ये नेचुरल डेथ है उनको अटैक आया है. इसमें राजनीति मत करो. कुछ लोग आपसे संपर्क भी किए थे कि इस तरह का बयानबाजी कीजिए कि वैक्सीन की वजह से हुआ है क्या बुरा वाक्य हुआ. कुछ ऐसे ग्रुप बना के आए थे कि हमको आप सपोर्ट करो हम 200-300 जन आएंगे मोर्चा लेके हमारे को सपोर्ट करो हम आपको 20-25 लाख रुपया अरेंज करवा देंगे. तो हमने बोला हमको पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें राजनीति मत करो. 20-25 लाख रुपये के लिए अगर हम इसमें फंस जाएंगे तो क्या है दूसरे बच्चे लोग वैक्सीन लेने से डर जाएंगे पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे. तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसमें राजनीति मत करो. अपना इंडिया का भविष्य है बच्चे लोग तो वो सब वैक्सीन लेवे वैक्सीन पूरा असरदार है उसमें कोई राजनीति मत करो आप. सर
सर जिस तरह से आरोप के बाद उसके साथ में 3-4 बच्चे ने भी वैक्सीन ली थी तो वो सब बच्चे स्वस्थ थे, हमारी बेटी भी स्वस्थ थी एकदम। लेकिन 2 दिन के बाद उसकी एग्जाम थी, प्रीलिम थी, तो उसका स्ट्रेस लेके उसको सफोकेशन होने लगा, चेस्ट में पेन होने लगा। तो हम डॉक्टर के पास इधर लेके गए थे दिशा हॉस्पिटल में, लेकिन ऑटो में ही उन्होंने उसके पापा के गोद में दम तोड़ दिया। वैक्सीन से उसका कुछ वैक्सीन से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस तरह से ये मैसेज वायरल हुआ है, अभी कोई कानूनी कार्रवाई आप करेंगे क्या इन लोग जिन्होंने ये इस तरह से वायरल किया है? हमारी फूल जैसी बच्ची चली गई है, कानून को हम क्या कार्रवाई करेंगे? जो है वो फैक्ट है। मांग करेंगे कि ये जो वायरल कर रहे हैं इस तरह से आपकी बच्ची के फोटो, भाई उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मत करो, इसमें राजनीति मत लाओ बीच में।